जय जिनेन्द्र। मेरे शीला जैन, मेरा आईडी HGSV398। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पॉकेट। सामग्री: बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, उबले हुए स्वीट कॉर्न, उबली हुई हरी मटर, 2 कच्चे केले उबले हुए, बारीक हरी मिर्च कटी हुई और चावल का आटा बाइंडिंग के लिए, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धाना जीरा पाउडर, नमक, घर का बना हुआ गर्म मसाला, अजवाइन, तेल, गेहूं का आटा और घर का बना हुआ चाट मसाला। एक बाउल में हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन और 5/6 चम्मच तेल मोन के लिए और जरूर मुझे पानी। इसको पूरी की तरह गूंथना है। ये आटा गूंथ चुका है और इस पर अभी गीले कपड़े से उसको ढक देंगे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए। मसाले के लिए बॉईल किए हुए केले में 2-2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मटर, स्वीट कॉर्न, गरम घी, चावल का आटा बाइंडिंग के लिए 1-1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धाना जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, चाट मसाला, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब आटे में से एक लोई लेंगे और रोटी की तरह बेलेंगे और साइड में रेक्टेंगल की तरह कट लगाएंगे और साइड का आटा निकाल लेंगे और बीच में फिर इस चाकू की मदद से एक कट लगाएंगे, फिर उसे हम प्लस शेप में रख देंगे और मसाले का एक पेड़ा लेके बीच में रख देंगे और अब एक तरफ लेप लगाएंगे और बिगर लगाया हुआ लेप पट्टी पहले लगाना है, फिर उसके ऊपर लेप लगाया हुआ पट्टी रख देना है ताकि खुले नहीं। अब दोनों साइड चाकू की मदद से 4-4 कट लगाना है ताकि 5-5 पट्टी हो जाए। अब दोनों ऊपर हम लेप लगाएंगे और एक के ऊपर एक लगाते जाएंगे ताकि चटाई की तरह डिजाइन बन सके। हाँ, थोड़ा प्रेस करना है ताकि खुले नहीं तलते वक्त। तेल गरम करके रखा है हमने, अभी धीमी आंच करेंगे, 2 डालेंगे एक साथ में। हाँ, अब इसे गोल्डन ब्राउन रंग का तल लेंगे फिर निकाल लेंगे। अभी फिर काटे आपको मैं सुनाती हूँ काटे की मदद से कि कितने क्रंची हुए हैं। आप इसे एक बार जरूर तीखा मीठा चटनी के साथ ट्राई कीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।